మంత్రుల్ని బర్తరఫ్ చేసి తాత్కాలిక ఎమర్జెన్సీ విధించి 56 రాజ్పుతానా రైఫిల్స్ కే మేజర్ వీరేంద్ర రాఠౌర్ కా నామ్ మరణోపరాంత్ ఉత్తమ విశిష్ట సేవా మెడల్ కే లియే ప్రస్తావిత్ కియా గయా హై. ఆజ్ ఉన్కే యూనిట్ ద్వారా ఆయోజిత్ ఏక్ సమ్మాన్ సభా మే యూనిట్ కమాండర్ నే యే ఘోషణా కీ. గౌర్ కర్నే వాలి బాత్ యే హై కీ మేజర్ వీరేంద్ర రాఠౌర్ కే పరివార్ కా ఏక్ భీ సదస్య ఇస్ సభా మే ఉపస్థిత్ నహీ థా. దర్శకో కో బతా దే కీ మేజర్ రాఠౌర్ కీ హత్యా ఉన్కే జూనియర్ ఆఫీసర్ కెప్టెన్ జావేద్ నే గోలీ మార్ కే కీ థీ. కెప్టెన్ జావేద్ ఖాన్ పర్ కోర్ట్ మార్షల్ చల్ రహా హై. हम वहां क्यों जा रहे हैं? आई मीन आर यू श्योर? वो तो अपने हस्बैंड के ऑनरिंग सेरेमनी में भी नहीं आई थी. आई मीन कितना कोऑपरेट करेगी पता नहीं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस. अब तो निकल पड़े ना, कितना टाइम लगेगा? एक घंटा. ये मेरी दोस्त है, इसको मैं छिपली बुलाता हूँ क्योंकि वो छिपती रहती है ना. और छिपली के दोस्त का नाम क्या है? चंगेज खान. और आपका? ली, ब्रूस ली. आप सेरेमनी में? क्षितिज की तबीयत ठीक नहीं है, पीटीए की मीटिंग थी, मुझे 103 बुखार, सुबह से जितने फोन उतने बहाने. तो आप कौन सा सुनना चाहेंगे? दीवार भर गई है इनकी बहादुरी से, अब और मेडल्स नहीं आएंगे, खाली रहेगी. क्षितिज को कार्टून्स बनाने का मौका तो मिलेगा. चंगेज का मतलब होता है ब्रेव. ब्रेव का मतलब? पापा. पापा का मतलब? पापा का मतलब यूनिफॉर्म, गन और छोटे हलवाओं के लड्डू. और बहुत सारे गेम्स. जब पापा छुट्टियों से आएंगे फिर पापा सीनियर चंगेज खान और मैं जूनियर चंगेज खान. और मामा? मम्मा तो हॉस्पिटल में रहती है ना, दादू बीमार है ना. गन दे देते थे मेजर राठौर क्षितिज के हाथ में, और वो भी लोडेड. मैं डर के मारे कांपती थी. दूसरों का डर उनका सुरूर था, और शायद शौर्य भी. यूनिफॉर्म पर खून के धब्बे, एक अजीब महक आती थी उनके देह से. कभी कभी तो इतनी घिन आती कि रगड़कर अपना हाथ फिर से साफ करती, जैसे उनके हाथ का खून मेरी हथेलियों में जम गया हो. हर मेडल के पीछे कई कहानियां छिपी हैं, मैं तो रोज सुनती हूं. लगता है मैं भी मेडल बन गई हूं. I'm so sorry. नहीं, सॉरी क्यों, एक दिन तो ऐसा होना ही था. 19 साल की उम्र में जब शादी हुई थी तब मैंने दुनिया नहीं देखी थी. अब 7 सालों में लगता है कुछ ज्यादा ही देख ली. अच्छा, ये पापा अजीब वर्ड है ना. पापा. पापा. पापा पा. पा पापा पापा. पा पापा पापा. पा पापा पापा. पा पापा पापा. ब्रिगेडियर प्रताप से मिली आप? नहीं. छोटा हाथ 12 पे आ जाए और बड़ा 3 पे, दैट मीन्स इट्स क्वार्टर पास्ट,
12 हाँ? इसने ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लीजिए। थैंक्स। या। थैंक्स। कुकी? थैंक यू। तो लौटने में करीबन 3 घंटे लगेंगे? नहीं, 4। लौटने में ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ब्रिगेडियर प्रताप की यूएन पोस्टिंग अगले महीने है। फोन आया था, दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। कैप्टन जावेद हाउस अरेस्ट में है ना? जी हाँ। She hates him. Hates him? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि घिन आती होने राठौड़ से। I mean, हर बार वो राठौड़ का नाम लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। कोर्ट नहीं आएगी ना? No. You know, Sid, ऐसा लग रहा था कि वो आजाद हो गई है। मतलब इतनी नफरत, हर रोज 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 8 साल वो इस आदमी के साथ रही है। कोई भी होता, मेरा बच्चा था तो मैं ही गोली चला दी थी। Finish it off once and for all. करीब यहाँ पे राइट। हियर इज द क्वेश्चन, जावेद ने सिर्फ राठौड़ को गोली क्यों मारी? क्योंकि राठौड़ उसके सामने खड़ा था। यस काव्या, कम ऑन, थिंक। क्या रिपोर्ट सेज? One bullet was fired. It's a 9mm better. 9mm better means 12 bullets. मतलब 11 bullet है chamber में. किसी को भी मार के भाग सकता था. उनको मार सकता था. He could have shot anyone and gone. So उसे सिर्फ राठौड़ को क्यों गोली मारी? Why did he start and stop with राठौड़? Right. She's right. Captain Pass बोला. आप RR में कितने साल से हैं? 1 साल से सर. कितने operations किए? 20 कॉर्डन एंड सर्च, 11 एम्बुश और 5 रेड सर। उस रात कितनी गोलियां चली थी? 1 गोली चली थी सर। किस डायरेक्शन से? नॉर्थ डायरेक्शन से सर। सारी डिटेल्स रिपोर्ट में लिखी हैं सर। क्राइम कितने बजे हुआ था? 2100 आवर्स सर। सारी डिटेल्स रिपोर्ट में लिखी हैं सर। थैंक यू कैप्टन पासबोला, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। कैप्टन आरपी सिंह, आपने कैप्टन जावेद खान को अरेस्ट किया था? जी। सीज्ड वेपन में कितनी बुलेट्स थी? जी 11। इसका मतलब है सिर्फ 1 गोली चली थी। जी। एंड इट्स अ 9mm ब्रेटा, राइट? यस सर। इस वेपन की रेंज कितनी होगी? 30 मीटर। 30 मीटर। और आप कितनी दूरी पे थे? जी मैं 25 मीटर दूरी पे ऑन अलर्ट था। फिर गोली आपको क्यों नहीं लगी? जी नहीं, मतलब गोली सिर्फ मेजर राठौड़ को क्यों लगी? जी वो नहीं, अगर आप 25 मीटर की दूरी पे थे और कैप्टन जावेद खान ने गोली चलाई तो निशाना कोई भी हो सकता था, आप भी। सिर्फ मेजर राठौर क्यों? सर, वी पुट दिस इन द रिपोर्ट। यस आई नो, बट आई वांट टू हियर इट इन योर वर्ड्स। कैप्टन जावेद खान ने आप लोगों को क्यों नहीं शूट किया? ऑब्जेक्शन, डिफेंस इज इंटिमिडेटिंग द विटनेस। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अगर वो खतरनाक मुजरिम है, अगर वो एक लीथल मर्डरर है, तो फायरिंग आप पे भी हो सकती थी, कैजुअल्टी होती। आंसर मी। जी वो, क्या आप भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं? नो सर। व्हाट्स द ट्रूथ देन? आंसर मी, व्हाट्स द ट्रूथ? हम वहां थे पर yes? याद नहीं। याद नहीं मतलब? वी डिडंट अरेस्ट हिम। यू डिडंट अरेस्ट हिम? डोंट बी सिली कैप्टन आरपी सिंह। कैप्टन पासबोला ने कहा है कि सारी डिटेल्स रिपोर्ट में है, एंड द रिपोर्ट स्टेट्स दैट यू एंड कैप्टन पासबोला अरेस्टेड कैप्टन जावेद खान। जी हो सकता है। हो सकता है? आई डोंट गेट दिस। मतलब कैप्टन आरपी सिंह, डिड यू रीड एंड साइन दिस रिपोर्ट और डिड यू जस्ट साइन इट? जी मैंने। डिड यू रीड एंड साइन दिस रिपोर्ट और डिड यू जस्ट साइन इट? सर मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे 1 घंटे का एक्सटेंशन मिले प्लीज। ऑब्जेक्शन, द प्रोसिक्यूशन इज नॉट अग्रीएबल टू दिस। कोर्ट इज अडजर्नड एंड विल रीअसेंबल on Monday at 0900 hours. All rise.